हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पार्ट 16। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पार्ट 16। ठीक है, आज पहला प्रश्न है इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे इंग्लिश का अर्थ मतलब है इंग्लैंड के लोग। ठीक है, जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं होगा, ये हम लोग द से स्टार्ट करेंगे, द इंग्लिश। तो करेक्ट फॉर्म होगा द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्ले वायलिन बट नॉट पियानो। तो इसमें गलती क्या है, यहां पे और यहां पे द आएगा। ठीक है, तो आई प्ले द वायलिन, ये एरर जो है आर्टिकल रिलेटेड एरर है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आई प्ले द वायलिन बट नॉट द पियानो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सैटरडे आई गो टू सिनेमा। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल मिसिंग है, गो टू द सिनेमा। तो ऑन सैटरडे आई गो टू द सिनेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट हो गया, ऑन सैटरडे आई गो टू द सिनेमा, तो द मिसिंग था। ठीक है, यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव नो हाउस टू लिव। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो द करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सारा वही होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, दे हैव नो हाउस टू लिव इन। ठीक है, लास्ट में ये चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नोस टू प्ले द पियानो। तो इसमें स्ट्रक्चर में गलती है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा हाउ। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी नोज हाउ टू प्ले द पियानो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द ग्रीक पोइट्स। तो यहाँ पे देन ऑल द ग्रीक पोइट्स, यहाँ पे एक मिसिंग है, वो इसलिए गलत है स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा करेक्ट फॉर्म, होमर वॉज ग्रेटर then all the other Greek
पोएट्स, ठीक है, तो अदर आपका यहां पे मिसिंग था, तो करेक्ट फॉर्म हो गया होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द अदर ग्रीक पोएट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैड नेवर सीन सच ए थिंग. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में गलती है तो इसको सुधार लेंगे. आई हैड नेवर सीन सच ए थिंग, तो मिसिंग क्या था बिफोर, ठीक है, यहाँ पे बिफोर मिसिंग था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबडी, ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरिजन आ रहा है और ये स्ट्रक्चर कुछ मिस कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में, सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबडी एल्स, एवरीबडी एल्स मिसिंग था, ठीक है, सी इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबडी एल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द ओनली दैट आई कैन से, तो यहां पे करेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द ओनली वन, वन मिसिंग था यहां पे, दैट आई कैन से, ठीक है, दिस इज द ओनली वन दैट आई कैन से. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई आस्क्ड सम पेपर बट सी हैड नॉट, ये गलत है, तो करेक्ट फॉर्म क्या है, आई आस्क्ड सम पेपर बट सी हैड नन, हैड नॉट नहीं होगा नन होगा, ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, आई आस्क्ड सम पेपर बट शी डिडंट और डिड नॉट हैव एनी, इस तरह से भी इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है I asked him for some ink and he gave me. तो ये स्ट्रक्चर गलत है और इनकम्प्लीट है, तो इसको करेक्ट करते हैं. I asked him for some ink. And he gave me some. तो some missing था, ठीक है. I asked him for some ink and he gave me some. चलिए next question करते हैं. Next question है I enjoyed During my holidays. तो इसका स्ट्रक्चर गलत है, तो हम क्या लिखेंगे करेक्ट करने के लिए, I enjoyed myself. Myself missing था during the holidays.
holidays, ठीक है। इसको दूसरे तरह से, इस तरह से भी करेक्ट किया जा सकता है, आई एंजॉयड माई हॉलीडेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8037। तो यहाँ पे हमें याद रखना है यहाँ एंड मिसिंग है, तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 8037। ठीक है, तो एंड मिसिंग था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ओनली 2-3 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स हम नहीं लिखते हैं, जो कि गलत है। आई हैव ओनली 2 or 3 फ्रेंड्स, और यहाँ मिसिंग था, ठीक है। तो आई हैव ओनली 2 or 3 फ्रेंड्स, यहाँ पे और मिसिंग था 2 or 3 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स डर्टी थ्रू इट। तो ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, करेक्ट और कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा, इट्स डर्टी थ्रो इट अवे, ठीक है, इट्स डर्टी थ्रो इट अवे। आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं, आगे के कॉमन एरर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो को फॉलो अप कीजिए, और इस चैनल में बहुत सारे और वीडियोस हैं, यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स के लिए। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।